गुड मॉर्निंग क्लास, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 4, मोशन इन अ प्लेन। इन द लास्ट वीडियो बेटा, वी हैव डिस्कस्ड अप टू द सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इस सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम किस तरह से स्टडी करेंगे? मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर में उसका नेगेटिव दूसरे वेक्टर का नेगेटिव लेकर उसको ऐड कर देंगे ट्रायंगल रो से ही, तो वो आपका क्या दिखा देगा बेटा, वो क्या आपका रिजल्टेंट आएगा? Subtraction of vectors. So, a minus b subtraction will be equal to a plus of minus b. Add करो इसमें negative of b. a plus minus a that will be equal to zero vector. अगर किसी vector में उसका खुद का ही negative vector add करते हो, तो वो आपको देता है zero vector. Come to the next point. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा रिजोल्यूशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? कि किसी भी चीज को ब्रेक करना, उसके पार्ट्स में उसको डिवाइड करना। तो रिजोल्यूशन में आपको क्या बोलूंगी, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ए वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को टू और मोर कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप करना या डिवाइड करना, ये क्या कहलाता है? उसका रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कहलाता है। अब हमारे पास क्या होगा, हमारा वेक्टर कहाँ होता है बेटा? एक प्लेन में होता है, एक्स वाई प्लेन में। अब इसका रिजोल्यूशन करेंगे तो हम अलोंग द एक्सिस इसको रिजोल्व करेंगे, अलोंग द एक्सिस इसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसके टेल से, हेड से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये एक्स एक्सिस पे किया, ये वाई एक्सिस पे किया, तो जो ये वाला पार्ट आया है ओ से लेकर लेटर, सपोज कि कोई नया पॉइंट है ए वन और ये कोई है ए टू, तो ये ए वन वेक्टर है, दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ दिस ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, ए टू इज द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सो ए वन एंड ए टू आर द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए इन एक्स एंड वाई एक्सिस। क्या लिखा है पढ़िए, द वेक्टर्स इनटू व्हिच अ गिवन वेक्टर इज स्प्लिट अप आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर। अब यहाँ पर जो ये वेक्टर नए बने हैं, ये आपके क्या है, ए वन और ए टू है, तो जो वेक्टर नए बनते हैं, जो स्प्लिट अप के बाद में बनते हैं, दीज वेक्टर्स आर नोन एज कंपोनेंट वेक्टर्स। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन गिव्स द मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। इस वेक्टर का कितना इफेक्ट होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज डिफाइंड बाय द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि कितना ए वेक्टर का कितना पार्ट ए वन की डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में है, दैट इज डिफाइंड बाय ए वन। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन हमने ये किया है बेटा, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन के लिए हमने ये रेक्टेंगल की मतलब हमने ये रेक्टेंगुलर सिस्टम लिया है 2D में, उसके ऊपर हमने इसका ये रिजोल्यूशन किया है। x और y, i कैप और j कैप x और y एक्सिस के अलोंग आपके क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि i कैप, j कैप एंड k कैप आर द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। कंसीडर अ वेक्टर, ए वेक्टर दैट लाइज इन द xy प्लेन एज शोन इन फिगर। Draw lines from the head of A perpendicular to the coordinate axis. We get A1 and A2 such that, अब बेटा क्या बोलोगे? कि इस A को break करके ही तो A1, A2 मिले हैं। मतलब कि A1, A2 को add कर दोगे तो वापस से A vector मिल जाएगा। So A1 plus A2 is equal to A vector. A1 is parallel to I cap while A2 is parallel to J cap along the Y axis. So we can say that a1 vector is equal to me a ka x component in i cap ax i cap, a2 vector is a ka y component in j cap, so ay j cap, where ax and ay are real numbers. So a1 is equal to me ax i cap, a2 is equal to me ay j cap. The quantity is ax and ay are called x and y components of the vector a.
एक्स और ए वाई हम क्या बोलेंगे कि ए एक्स एक्स कॉम्पोनेंट है, ए वाई वाई कॉम्पोनेंट है, सो दिस इज द रिजोल्यूशन। तो आप ए वेक्टर को कैसे लिख पाओगे फिर? ये जो वैल्यू है आपकी दोनों, ये उठा के इस इक्वेशन में रखिए, ए विल बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। दिस इज द कंप्लीट स्प्लिटिंग ऑफ द वेक्टर ए इन एक्स कैप एंड वाई कैप डायरेक्शन। ए एक्स और ए वाई क्या है आपके स्केलर है, क्योंकि इसके साथ में हमने क्या लिखा है, आई कैप और जे कैप लगाया, बेटा दिस विल गिव यू द डायरेक्शन। ए एक्स एंड ए वाई आर द रियल नंबर विच आर स्केलर्स। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मैं रिजोल्यूशन करूं तो मैं क्या बोलूंगी बेटा कि हमारे पास दो दो फॉर्म थे। लेट अस सपोज आर वेक्टर ए वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, देन दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वन। सो यू नो फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, वो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से, तो आपको ये कैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने वाला जो पीबीपी बीबीएच वाला जो एप्लीकेशन था वो कर सकते हो आप। कोस थीटा क्या निकलेगा बेटा यहाँ से, ए एक्स अपॉन ए, साइन थीटा क्या निकलेगा, ए वाई अपॉन ए। तो ए एक्स को क्या लिख सकते हो, ए कोस थीटा, और ए वाई को क्या लिख सकते हो बेटा, ए साइन थीटा। और यहाँ पर जो आपका ए वेक्टर है दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ये तो आपका है ट्रिग्नोमेट्री से। और अगर मैं सिंपली आपको याद रखने के लिए टर्म्स में बोलूँ जो आप थ्रू आउट द फिजिक्स यूज करेंगे, तो जिस एक्सिस के साथ में आपका थीटा एंगल बन रहा है दैट विल बी द कोसाइन कंपोनेंट, और जिसके साथ में थीटा एंगल नहीं बन रहा है दैट विल बी द साइन कंपोनेंट। सो यहाँ पर अपना एक्स एक्सिस के साथ में थीटा बन रहा है तो एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा ए कोस थीटा, वाई के साथ में नहीं बन रहा है तो वाई आ जाएगा ए साइन थीटा। कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा में वेरी फ्रॉम 0 to 180, सो ये कुछ भी अपना वेरी कर सकता है। कॉम्पोनेंट जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों चीजें हो सकती है। नाउ वी हैव टू वेज टू स्पेसिफाई ए वेक्टर ए इन ए प्लेन। इट कैन बी स्पेसिफाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कैसे कैसे, कि एक तो आप ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में लिख दोगे मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन थीटा, ए कोस थीटा ए साइन थीटा टर्म में, दूसरा आप ए एक्स ए वाई के टर्म्स में लिख दो। कैसे लिखते हैं, ए और थीटा अगर गिवन है, पहला अपन देखते हैं अगर ए और थीटा अगर गिवन है तो ए एक्स और ए वाई कैसे फाइंड आउट करोगे। ए यहाँ पर रखोगे, थीटा यहाँ पर रखोगे, कोस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू यू विल कैलकुलेट, ए की वैल्यू आपको दी हुई है, देन यू कैन फाइंड आउट ए एक्स एंड ए वाई। तो आप ए एक्स और ए वाई कैलकुलेट कर सकते हो बाय पुटिंग दिस इन दिस इक्वेशन। अगर ए एक्स और ए वाई दिया हुआ है तो आप क्या करोगे बेटा, ए एक्स ए वाई दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को स्क्वेयर करके ऐड करोगे तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आप ए स्क्वेयर को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर इंटू में कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। 10th क्लास में पढ़िए कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1। सो दिस इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वेयर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वेयर। सो यू हैव टू कैलकुलेट ए, तो इसका अंडर रूट लेके आप क्या कर दोगे, ए आ जाएगा आपका अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से आप डिवाइड कर दोगे इन दोनों इक्वेशन को तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स, और यू कैन से थीटा विल बी टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड टेन थीटा एंड ए एक्स। आप कोई भी चीजें किसी भी टर्म में निकाल सकते हो, ए और थीटा दिया हो तो ए एक्स ए वाई कैलकुलेट कर सकते हो, ए एक्स ए वाई दिया है तो ए और थीटा कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दीज टू
फॉर्मूला। ओके बेटा, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स इन अ प्लेन। कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर है ए और बी विद डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन जिसकी डिफरेंट है। लेट ए बी अनदर वेक्टर इन द सेम प्लेन। कैपिटल ए एक कोई दूसरा वेक्टर है, ठीक है। अब हमें रिजोल्व करना है एक वेक्टर को किसकी टर्म में, जो दो दूसरे वेक्टर दिए हुए हैं उनकी टर्म्स में। मतलब कि ए वेक्टर को हमें रिजोल्व करना है ए और बी की टर्म्स में। ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू वेक्टर्स, वन ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग ए बाय रियल नंबर लैम्डा, द अदर ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग बी बाय अनदर रियल नंबर म्यू। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पर जो कैपिटल ए वेक्टर है इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। हमें नहीं पता ये इसका कितना टाइम्स है, तो हम रैंडमली कोई नंबर लैम्डा और म्यू लेके दोनों को ऐड कर देते, दोनों का कॉम्बिनेशन ही बनेगा फाइनली ए वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर हमने केवल प्लेन की बात करी है, पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग बात नहीं करी है। इससे पिछले एग्जाम्पल में तो हमने रेक्टेंगुलर एक्सिस लेके चले थे रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में, लेकिन यहाँ पर तो हम रैंडमली डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसकी हेल्प से आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो रेक्टेंगुलर वाला। सो दिस इज अ जनरल टर्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन वेरी केयरफुल मैनर। ओके, सो नेक्स्ट इज क्या बोलोगे इसी में आपका, कि नेक्स्ट लिए आप क्या बोलोगे, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ओ पैरेलल टू ए। हमने ए के पैरेलल में कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है जो कि हम ए वेक्टर के टेल से दैट इज की ओ पॉइंट से पास होती है, यहाँ से पास होगी। मतलब कि ए वेक्टर को यहाँ से लेकर मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। देखिए ये हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दीजिए। यस, ये शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है। ड्रॉ अनदर स्ट्रेट लाइन थ्रू पी पैरेलल टू बी। अब पी से होते हुए, टेल से, हेड से होते हुए बी के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ कीजिए। हो गई, हो गई। ये दोनों ही लाइन कहाँ पर मीट कर रही है, क्यू पॉइंट के ऊपर। तो जो ये पार्ट आएगा ओ क्यू दैट इज योर लैम्डा ए। ए का कितना पार्ट है यहाँ पर, लैम्डा टाइम्स ए। जो ये क्यू पी है वो हाउ मच इज दिस, म्यू बी। सो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा ए प्लस म्यू बी। ट्रायंगल लो, लगा दो इस ट्रायंगल में ओ क्यू पी में। लैम्डा ए प्लस म्यू बी विल बी इक्वल टू ए वेक्टर, द वेक्टर ओ क्यू एंड क्यू पी आर गिवन एज लैम्डा ए एंड म्यू बी। ट्रायंगल लो, ओ पी विल बी इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू पी। सो ए विल बी इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। द वेक्टर ए इज सेट टू बी रिजोल्व इन टू लैम्डा ए एंड म्यू बी अलोंग ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। इस केस में हम बोलेंगे कि ए वेक्टर को हमने रिजोल्व कर दिया। बेटा मैंने आपको पूरा मेथड पूरा समझा दिया है अलग से, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन थ्री रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स इन स्पेस। 2D में जैसे किया, 3D में हम उसको सिंपली जनरलाइज कर देंगे। कैसे दिया है बेटा, लेट अस रिजोल्व अ जनरल वेक्टर ए वेक्टर इनटू थ्री कंपोनेंट्स अलोंग x y एंड z एक्सिस इन द थ्री डाइमेंशंस। तो हम इससे आगे क्या बोलेंगे, ये ए वेक्टर है, ड्रॉ करो परपेंडिकुलर्स। अल्फा एंगल बनाया इसने ए के साथ में, बीटा बनाया वाई के साथ में, और गामा बनाया जेड के साथ में। 2D में है इसलिए ये उसको इसी प्लेन में दिख रहा है, बाकी जेड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऑल द थ्री एक्सिस एक्स वाई जेड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्स एंड वाई यू कैन टेक इन द सेम प्लेन, व्हाइल जेड इज टुवर्ड्स द प्लेन और आउटवर्ड टू द प्लेन। अब इसका बेटा एक्स एक्सिस में कॉम्पोनेंट हो गया ए एक्स आई का, सिमिलरली वैसे ही फाइंड आउट करते हैं जैसे कि हम क्या करते थे बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। वाई में हो गया ए वाई जे कैप और जेड में हो गया ए जेड के कैप। अब मैंने क्या बताया था, जिसके साथ जो एंगल बना हुआ है वो कंपोनेंट कोस आ जाएगा। तो ए वेक्टर को अगर मैं जनरल टर्म में लिखूं तो मैं क्या बोल, ये तो बेटा मैंने यहाँ पर इसका क्या बना दिया, एक 3D में है तो ये क्यूब के अंदर आएगा, 2D में था तो वो एक स्क्वेयर के अंदर आता था।
अल्फा,